नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स का ग्राफ, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का ग्राफ। अब एक बात तो अभी तक में क्लियर है कि जो इनवर्स फंक्शन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फंक्शनल ऑपोजिट होता है, फंक्शनल इनवर्स होता है ना। अब देखिए, हम लोग पहले समझ चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखे हैं, रेशियो। यहाँ क्या लिखे हैं, पहले एंगल। काहे लिखे हैं, काहे कि हम पढ़े हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसका जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है एक्सिस बदल के मिरर इमेज होता है ना। मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो एक्स एक्सिस पे होगा वो इसके वाई एक्सिस पे हो जाएगा और वाई वाला जो हमारा एक्स एक्सिस पर हो जाएगा। यानी ये जो रेशियोज है ये हमारा कहा जाएगा एक्स एक्सिस पे जाएगा, और ये जो एंगल है ये हमारा कहा जाएगा ये जो है वाई एक्सिस पे जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग जो है इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। पहले जो है हम इसका छोटा वाला ग्राफ करेंगे, उसका इसका बड़ा वाला ग्राफ करेंगे, तो हम लोग एकदम आराम से समझ जाएंगे कि कहां पर कैसे लाइन कर रहा है। इसका डोमेन और रेंज हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, हम पहले से इसको हम कन्वर्ट करके रखे हैं, क्योंकि हम पहले बोल दिए थे पिछला वीडियो में कि भाई समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बहुत ज्यादा ग्राफ करना है, क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छे को है, उसका इनवर्स यानी छे को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और उसके बाद फिर सबका टेंजेंशियल ग्राफ। तो बहुत सारा ग्राफ होगा, सबको बनाने सीखना है, कहां से कौन वैल्यू आ रहा है, कहां पे कैसे रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उतना करने में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और उतना लंबा वीडियो में फिर आपको भी उबर लगेगा। तो हम डाटा पहले से लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर एक चीज हम नहीं किए हैं कि माइनस और प्लस अभी तक इंडल्ज नहीं किए हैं, तो अभी हम एक बार उसको भी जो है इंडल्ज कर लेंगे। क्या ये जो है पहला घर होता है हमारा 90 डिग्री तक, तो ये सब पहला घर है, तो यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो ई वाला घर है इसका अपना घर नहीं हो रहा है, कहां से कहां तक, यहां तक 90 से 180 तक इसका अपना घर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है ई निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा ई जो है 10 का अपना घर है, और उसके बाद जो है फिर से इसका अपना घर खत्म हो जा रहा है, चल जा रहा है पॉजिटिव कॉस के और सेक के घर पर, यहाँ निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही निगेटिव लग जाएगा, कहे कि अभी जो है हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक वैल्यू हो गया, क्या हो गया, ऋणात्मक वैल्यू हो गया। सॉरी, यहाँ पर तो नहीं हो गया, इसका अपना घर है, ये ऋणात्मक वैल्यू में नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ तक अब जो है ग्राफ खींचते हैं, तो सबसे पहले हम तो पहले से ही कर लिए, कल भी किए हुए थे कि इधर जो है हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींच लिए, ठीक है। यहाँ पर ही लगा दिए कौन सी, 1 2 3 और चले गए प्लस इनफिनाइट के लिए एक्स एक्सिस, इधर वही एक्स डैश है, ये हमारा क्या ऑरिजिन है, बाकी जो नीचे वाला भाग है जिसको जब मिटा देंगे तो उसको जो है नीचे खींच लेंगे। अभी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद जो है यहाँ चला गया माइनस इनफिनाइट। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, एंगल सबको बैठाएंगे, तो पहला एंगल हमारा क्या है पाई बाय 6 आएगा, पाई बाय 6 के बाद पाई बाय 4, पाई बाय 4 के बाद पाई बाय 3, पाई बाय 3 के बाद पाई बाय 2, पाई बाय 2 के बाद 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 के बाद 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 के बाद 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 के बाद पाई आ जाएगा, पाई के बाद देखिए 7 पाई बाय 6 आएगा, उसके बाद हमारा 5 पाई बाय 4 आएगा, 5 पाई बाय 4 के बाद 4 पाई बाय 3 आएगा, 4 पाई बाय 3 के बाद 3 पाई बाय 2 आएगा, 3 पाई बाय 2 के बाद 5 पाई बाय 3 आएगा, इसके बाद हमारा 7 पाई बाय 4 आएगा, फिर 11 पाई बाय 6 आएगा, और फिर जो है हमारा 2 पाई आ जाएगा, है ना। अब हमको इसको लोकेट करना है सारे पॉइंट वाइज, ठीक ना। तो सबका तो डेसिमल में हम पहले से कन्वर्ट करके रखे हुए हैं, और डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तब तो अलग से हम लोग भर सकेंगे, रख सकेंगे, ग्राफ बना सकेंगे। अब कल बताए थे कि बॉक्स के अंदर 10 जो पार्टीशन होता है उसमें आप आराम से जब बैठा के खींचेगा तो ग्राफ आपका सही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 0 इनफिनाइट जो हमारा वैल्यू वाला है वो कहां पर है, 0 डिग्री पर है, यानी कि जो हमें यहाँ पर इनफिनाइट का वैल्यू देगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.7 देगा, तो 1.7 कहाँ आएगा, नियर बाय यहाँ आएगा। फिर क्या है, 1 है, तो 1 हमारा कहां आएगा, पाई बाय 4 के लिए यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो है 0.5 यानी कि 1 का अध्याय यहाँ पर ही आएगा, और उसके बाद जो है पाई बाय 2 पे हम
जीरो के लिए ससर लेंगे। ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो गया ना। देखिए ग्राफ समझिए क्या है कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है ग्राफ ही बनाता है। यदि जो आपका ग्राफ सही नहीं है समझिए कि आपका मैथ गड़बड़ है तो ग्राफ आपको पकड़ना होगा। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला वैल्यू आएगा वो हमारा यहाँ पर आएगा निगेटिव में 2.05। कहा आएगा भैया 2 पावर 3 में 0.5 निगेटिव में कहीं तो चला गया साइन के घर में। अब जो है अगला कहा जाएंगे हम 1 पे जाएंगे 3 पावर 4 के लिए। उसके बाद हम कहा जाएंगे यहाँ पे जाएंगे 1.7 के लिए। और उसके बाद जो है हम अगले में चल जाएंगे यहाँ पर इनफिनिटी के लिए। तो ये जो है हमारा ऐसे मिलकर के ऐसा कुछ हो जाए तो ग्राफ हमारा कैसा हो गया कुछ ऐसा हो गया। अब अगला जो है हम पहले बता चुके हैं ये माइनस इंफिनाइट है ये हमारा प्लस इंफिनाइट है। एक बात और बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अगर आप किसने बोलते कि चक्का यदि घूमेगा तो जो पीछे है वो आगे भी आएगा जो आगे है वो पीछे भी जाएगा। फिर तो मतलब कि ये जो प्लस इंफिनाइट है यहाँ से यहाँ का एक लाइन नहीं खींचेंगे क्या करेंगे एक एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो पीछे से घूम करके स्पाइरल जैसा आ गया। ठीक है तो अगला जो ग्राफ होना शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा और जो है वो ऐसे करके ससर के यहाँ पर मिल जाएगा। भैया हम नहीं समझता है ऐसा कि यहाँ पर देखिए 1.7 है 1.7 पे गया ये जो हमारा 1 पे है यहाँ पर ये 1 पे चला गया 7 पावर 5 पावर 4 पे 1 पे चला गया और उसके बाद 4 पावर 3 पे जो है 0.5 में चला गया और फिर ये जो है 0 पर चला गया। अब इसके बाद ये कहाँ पर जाएगा इसके बाद ये जो है फिर से यहाँ पर जो है ये आएगा 0.5 पे। इसके बाद जो है फिर से आएगा ये 1 पे और उसके बाद ये जो है फिर से आएगा हमारा 1.7 पे और फिर से जो है ये हमारा इनफिनिटी के लिए चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा हाफ ग्राफ पूरा हो गया। क्लियर है बात कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है ना निःशुल्क का डाटा को मिटाते हैं ठीक है और उसके बाद अब अगला बनाएंगे तो अगला फिर से उसको भर लेंगे खाली एंगल को रहने देते हैं कि कम से कम कुछ छोटा समय बच जाएगा हम लोगों का। ठीक ना अब मैं यहाँ पर जो है ना वो पाई तक लिखूंगा। ठीक है हम लोग यहाँ पर जो है पाई तक लिखेंगे। ये हो गया हमारा y डैश एक्सेस हो गया। क्या हो गया y डैश हो गया। तो अब जो है हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -π/6 -π/4 -π/3 -2π/3 -3π/4 -5π/6 -π। हम इतने को लिख करके चलते हैं ना हमारा कम हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ जो है 0 पर अभी क्या होगा माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा और यहाँ पर आकर के क्या होगा 1.7 -π/4 पे 1 और यहाँ पर क्या होगा 0.5 और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये जो ग्राफ है हमारा यहाँ से ऐसे करके घूमना शुरू करेगा और यहाँ करके 0 पर मिल जाएगा 0 पर। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पर आएगा तो 0.5 यहाँ पर आएगा तो 1 यहाँ पर आएगा तो 1.7 और यहाँ आएगा तो इन्फिनाइट। तो अगला ग्राफ हमारा जो ऐसे करके लाइन खींचा जाए हो गया। अब यहाँ हम लोग ग्राफ खींच चुके हैं एक छोटा छोटा वैल्यू का। ठीक है किताब में जो है ना डायरेक्ट बड़का बड़का वैल्यू पर रख करके उसको घुमा दिया तो थोड़ा बच्चा को दिक्कत होता है कि डायरेक्ट कर्व ऐसे कैसे घूम गया। ये कर्व जो है जब आपके छोटा वैल्यू को बनाइएगा तो आपको कर्व वहां पर पता चल जाए कि कर्व आते मूर्ता कहां पर से है। अब जो है आपको इसको निकालना क्या है डोमेन और रेंज निकालना है। तो इसका डोमेन के बारे में एक बात को समझिएगा इसका डोमेन में क्या है दिक्कत और क्या है आसानी वो समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक सीधा जा रहा है प्लस माइनस सबको लेते जा रहा है कोई बीच में हो सकता है 2 और 3 के बीच 2.2 भी हो जाए तो इस तरह का सारा नंबर मिल गया तो क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा जिसका कि वास्तविक कोई मान है। तो ये हमारा इसका जो है डोमेन क्या हो गया ये हमारा जो है डोमेन आर हो गया। अब बात करते हैं इसके रेंज का तो भैया रेंज कहाँ पर आएगा तो डोमेन आर है इसका रेंज का हम बात करेंगे कि भैया इसका रेंज हमारा कहाँ पर जा रहा है। ठीक है तो अब इसका रेंज हम लेकर के चलेंगे। देखिए प्लस इंफिनाइट हमारा कहाँ आ रहा है भैया सबसे पहले ही देखिए तो प्लस इंफिनाइट हमारा कहाँ आ रहा है प्लस इंफिनाइट 0 पर आ रहा है तो प्लस इंफिनाइट 0 पर आ गया तो 0 हो गया है। उसके बाद माइनस इंफिनाइट चाहिए तो यहाँ पर माइनस इंफिनाइट कौन गिनेंगे नहीं का है कि ये तो सेम एक्सिस पर लाइन कर गया था। तो अब अगला आपको रेस्ट्रिक्शन में करना है इसको ये देखिए यहाँ पर हो रहा है ये कहाँ पर है ये पाई है तो इसका जो हमारा रेंज कहाँ से पता चल जाएगा इसका रेंज जो हमारा ये है 0 से पाई चला जाएगा। ठीक है किसका कॉट इनवर्स का हमारा डोमेन क्या हो गया आर हो गया रेंज हमारा क्या हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझिएगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। समझ में यदि आता हो और आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो नीचे में बोल दीजिएगा कि सही लग रहा है सर। यदि आपको थोड़ा सुधार करके लगता है तो कॉमेंट में बोल दीजिएगा कि सर तनी को आरो थोड़ा बताइए ना आधार मजबूत कीजिए ना तब ना बूझ खाली बाहर खड़ा करेंगे।
ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब हम अगला जो है ग्राफ खड़ा करेंगे किसके लिए, कोसेक का ग्राफ खड़ा करेंगे, और उसके बाद जो हम अगला ग्राफ खड़ा करेंगे वो जो है हम सेक का खड़ा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग कोसेक के लिए जाते हैं। तो कोसेक जो है हम जानते हैं कि साइन का ठीक उल्टा होता है ट्रिकी भाषा में, ऐसे तो बाकी सबका वैल्यू हमने करवाई दी है जीरो से लेकर के 90 तक का, और उसके बाद कैसे घूमता है सब पता है त्रिकोणमिति के वीडियो में, त्रिकोणमिति का वीडियो जाकर के जरूर देखिए, वहां पर आपको सारा वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा वीडियो आप समझ जाएगा वहां पर। एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है वो आपको बिहारी मास्टर पर मिल जाएगा, वहां पर बहुत अच्छा से समझाया हुआ है, आप वहां पर जाइएगा, वहां पर आपको जो है उसका न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज या एनसीईआरटी क्वेश्चन वो अच्छा मिलेगा। हम लोग जो है यहाँ पर करेंगे एमएल खन्ना, आरडी शर्मा और जितना वेराइटी टाइप का किताब है जो जेई के लिए प्रसिद्ध है, और उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस का जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और सबको हम बनवाएंगे, पहले हम जो है एक बगल से थ्योरी लगा दे रहे हैं आपके सामने, उसके बाद सब आप वीडियो देखिएगा और उसके बाद अगला क्वेश्चन करिएगा, वीडियो देखिएगा अगला क्वेश्चन करिएगा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर हमको क्या करना है, कोसेक का वैल्यू लिखना है, और हमको क्या पता है कि साइन का इतना से उल्टा होता है ना, तो साइन का उल्टा होता है तो साइन जीरो होना क्या होता है, जीरो होता है, तो कोसेक जीरो होना क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा ना। अब उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, रूट थ्री बाई टू होता है, सॉरी वन बाई टू होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, रूट टू होता है, तो वन बाय रूट टू होता है, इसका क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। उसके बाद साइन में क्या होता है, रूट थ्री बाय टू होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बाय रूट थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू बाय रूट थ्री हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, वहां पर वन होता है, तो हम इसको जो है वन यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद टू बाय रूट थ्री, फिर इसी को खाली दोहराते चल जाना है, टू बाय रूट थ्री के बाद रूट टू, रूट टू के बाद हमारा क्या हो जाएगा, टू, टू के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसको वैसे ही रिपीट करके चले जाएंगे, है ना, सारे वैल्यूज जो है आपस में रिपीट होंगे, साइकिल में जैसे कि हम लोग बताए थे त्रिकोणमिति वाले वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बता चुके हैं कौन है ये। अब देखिए दो रूट दो, दो बटे रूट तीन, और उसके बाद जो है हमारा हो गया एक, एक के बाद फिर से दो बटे रूट तीन, रूट दो, दो और इनफिनाइट, एकदम सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा साइन का पहला घर जीरो से नब्बे पॉजिटिव, नब्बे से 180 साइन का अपन घर है, पहला घर तो सब का घर था, सरकारी घर था, इस घर का अपना घर है, यहाँ तक जो पॉजिटिव होगा 180 से लेकर 270 तक चल गया टेन के घर में, उसके बाद चल जाएगा कॉस के घर में, तो 180 के बाद में जितना वैल्यू होगा ना सबका सब निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 के बाद का सब वीडियो, सॉरी सब वैल्यू जो हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आजकल बन रहा है ना, तो हम उसे वीडियो भी नहीं कर जाते, देख रहे हैं बड़ा हालत खराब हो गया है। जो व्यवस्था जब क्लास में हम लोग सामने में बैठते हैं ना, तो उस समय जब बच्चा सबको देखते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि समझा रहे, तो बोलता है हाँ सर समझ गए, यहाँ पर सर नहीं समझे, और वो वीडियो में वो वाला मजा नहीं आता, उसमें आप लोग भी नहीं बोल पाते सर यहाँ पर हम तक वो लसक रहे, उसके लिए आपको रिवाइंड करना पड़ता होगा, वीडियो को पीछे लेके जाता होगा फिर आगे लेकर जाते होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाता है। आगे चलिए, ई इंफिनाइट हो गया, ई दो हो गया, ई 1.4 हो गया, ई आपका 1.1 हो जाएगा, ई 1 हो जाएगा, उसके बाद ई फिर आपका जो है 1.1 आ जाएगा, फिर ये जो है 1.4 होगा, ई दो होगा, ई इंफिनाइट होगा, ई -2 होगा, -1.4, -1.1, -1.1, -1.4, -2, इंफिनाइट। भैया ये -1.1 वाला लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, देखिए 2 × √3 भागा √3 × √3 कर देते हैं इंचू में भी। ठीक है, ये कितना हो गया 1.7 × 2/√3 बराबर 3.4/√3 यानी 1.1 लगभग आ जाता है। ठीक है, तो 1.1 जो है दिमाग में था तो हम लिख दिया, तो सॉल्व उसको नहीं किए, ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला में सॉल्व कर चुके हैं। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ को डील करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे जाने वाला है, ये वाला तो हम लोग कर लिए दोनों, इसका डोमेन एवरेज दोनों निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, कोसेक का पहले ग्राफ करेंगे, पहले छोटा छोटा ग्राफ करेंगे, फिर तीनों का बड़ा ग्राफ करेंगे, तब हम जाके क्लोज करेंगे। छोटा ग्राफ हमको पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो हम बड़ा ग्राफ कर देंगे, इसमें निकाले किताब अलावा पैरा टू का डिफरेंस भी किया हुआ, हम पहले ये कर लेते हैं जो हम समझा रहे हैं, बेसिक जो आपको समझा रहे हैं, उसके बाद उस पर भी चल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ गए
अब यहाँ पर जो है मेरे को x ले लिए, थोड़ा और इधर कर देते हैं, ये x हो गया, थोड़ा और इधर गया, ये x डैश हो गया, ये हमारा क्या हो गया ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु हो गया, ये हमारा क्या है ये y है। फिर ये जो है एक चीज इसमें देखिए, एक एक पॉइंट टू ऐसे करके चला, यानी कि एक से लेकर दो के बीच हमको मार्जिनल चाहिए होगा, ठीक है, तो मार्जिनल चाहिए होगा तो ग्राफ पेपर में बनाइएगा ना, तो एकदम से क्लियर आएगा, क्रिस्टल क्लीन आएगा, डीएसएलआर कैमरा का फोटो लगता आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया एक, यहाँ पर हो गया दो, यहाँ हो गया तीन, आई चल गया इंफिनाइट, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस इंफिनाइट जगह चले जाते हैं, ठीक है। तनिक यहाँ पर छोटा छोटा बॉक्स नहीं बनल है तो हम अंदाजा से मारेंगे, जब ग्राफ पेपर में 10 बक्सा में जो छोटा छोटा बक्सा बनल है उसमें आप रखिएगा तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, एकदम सही से लग जाएगा। अब चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या है पाई बाय सिक्स है, पाई बाय सिक्स के बाद हमारा क्या है पाई बाय फोर, के बाद पाई बाय थ्री, के बाद पाई बाय टू, के बाद टू पाई बाय थ्री, के बाद थ्री पाई बाय फोर, के बाद फाइव पाई बाय सिक्स, के बाद पाई, पाई के बाद सेवन पाई बाय सिक्स, सेवन पाई बाय सिक्स के बाद फाइव पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर के बाद फोर पाई बाय थ्री, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय थ्री, फाइव पाई बाय थ्री के बाद सेवन पाई बाय फोर, सेवन पाई बाय फोर के बाद इलेवन पाई बाय सिक्स, इलेवन पाई बाय सिक्स के बाद टू पाई, ठीक है। अभी हमारा यहां तक हो गया, बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, इनफिनाइट है जीरो पे, हमारा क्या है ये इनफिनाइट कौन कह रहा है जीरो पे है, तो इनफिनाइट हमारा है यहाँ पर जीरो पे। उसके बाद कितना कह रहा है भैया, दो कह रहा है, दो हमारा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एक दशमलव चार कह रहा है, एक दशमलव चार नियर बाय हमको यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कहेगा एक दशमलव एक तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर हमको कह रहा है एक, तो एक हमारा यहाँ हो जाएगा, तो ये वाला ग्राफ जो है ना तनिको एना घूम के एना चल जाएगा, चल गया, चल गया ना। अब इसके बाद फिर एक दशमलव एक, एक दशमलव चार, एक उसके बाद जो हमारा हो जाएगा दो, और दो के बाद हमारा फिर से हो जाएगा इनफिनाइट, तो ये वाला जो ऐसे 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 करके ऐसे करके घूम के यहाँ आ जाएगा। आगे हम लोग आया कि नहीं आया, अब अगला जो है हमारा कहा हम यहाँ पर आ गए, अब लेकिन माइनस में जा रहे थे कि एना करके डिग्री ऐसे करके ऐसे होता है, डिग्री मतलब होता है लाइन रेखा लाइन सेगमेंट, तो वैसे नहीं फिर से घूम के हुआ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे माइनस इनफिनाइट के पास, उसके बाद अगला जो वैल्यू होगा वो हमारा माइनस दो होगा, फिर 1.4 होगा, फिर 1.1 होगा, उसके बाद हमारा 1 हो जाएगा, फिर 1.1 होगा, उसके बाद हमारा 1.4 होगा, उसके बाद 2 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर जो यहाँ पर माइनस इनफिनाइट हो जाएगा। तो ये जो है ना हमको एक तरह से ऐसा वाला ग्राफ इधर मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा करके कर्व मिला, कर्व मिल गया ना। ये हमारा क्या है माइनस इंफिनाइट, ये हमारा क्या है माइनस इंफिनाइट, ये क्या है हमारा प्लस इंफिनाइट, ये हमारा क्या है प्लस इंफिनाइट है, क्लियर है। अब ये डाटा को मिटाते हैं, तनियो निःशुल्क भी एक बार दर्शन कर लेते हैं मंदिर का, निःशुल्क मंदिर कैसा चल रहा है, ठीक है। चलिए नीचे भी दर्शन करने चलते हैं थोड़ा भगवान का, ये मंदिर जैसा है, संरचना बना रहा है ना, ये ढांचा मंदिर जैसा है, तो चलिए तनियो नीचे चलते हैं। ये हो गया हमारा कैसे वाई डैश हो गया, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं माइनस पाई बाय सिक्स, माइनस पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय थ्री, माइनस पाई बाय टू, माइनस टू पाई बाय थ्री, माइनस थ्री पाई बाय फोर, माइनस फाइव पाई बाय सिक्स, माइनस पाई, यहां तक लिख लिया। अब क्या होगा कि जब लौटेगा तो फिर कहां पहुंचेगा, सबसे पहले यहां पहुंचेगा, ये माइनस थीटा का जो है एंगल से जब घूमेंगे क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज घूमने पर हम चल गए चौथा घर में, और चौथा घर किसका है कॉस का है सेक का है, तो वहां पर इसका वैल्यू क्या होगा निगेटिव, तो यहां से शुरू करेगा निगेटिव शुरू करेगा, तो उसके बाद यहाँ पर आएगा तो कहाँ जाएगा दो पे जाएगा, दो के बाद एक दशमलव चार पे जाएगा, के बाद एक दशमलव एक पर जाएगा, के बाद एक पर जाएगा, यानी कि जो है यहाँ से ऐसे करके शुरू होगा और वैसे करके यहाँ पर आ जाएगा, फिर जो एक दशमलव एक, एक दशमलव चार के बाद दो यहाँ पर ही आएगा, और उसके बाद फिर ऐसे जाएगा जो ग्राफ है हमको ऐसा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। अब देखिएगा हमको इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना, फिर इसका क्या निकालना है रेंज निकालना है, तो डोमेन देखिए यहाँ पे यहाँ, फिर प्लस इनफिनाइट से माइनस इनफिनाइट दशमलव वाला सब को लेते जा रहा है ना, तो क्या हो गया रियल नंबर हो गया। लेकिन वो चीज को समझे यहाँ से यहाँ तक एक से माइनस एक के बीच में इसका यूज नहीं है, इसका यूज नहीं है, तो हम क्या रियल नंबर जो है उसको घटा देते हो गया उसका डोमेन। अब हमको क्या निकालना है रेंज निकालना है, तो देखिएगा प्लस
इनफिनाइट इसका कहां पर है, देखो प्लस इनफिनाइट इसका यहां माइनस इनफिनाइट यहां, वो बात को मानते हैं वैल्यू, लेकिन ये कहां क्या रहा है भैया, ये वैल्यू हमको मिल कहां पर रहा है, तो सबसे पहला जो है हमको जीरो पर मिल रहा है, जीरो पे क्या मिल रहा है, जीरो पे क्या मिल रहा है, जीरो पे इनफिनाइट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगला जो माइनस इनफिनाइट हमको एक्चुअली में यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर ही मिल रहा है, तो जीरो से पाई के बीच में चला गया, ठीक है, जीरो से पाई के बीच में चला गया है। अब उसके बाद एक चीज को और देखिएगा, यहाँ पे कह क्या रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैसे आया, कहा है कि भैया माइनस पाई बाय 2 ही एक है, कि कहां पे आ रहा है, पाई बाय 2 पे आ रहा है, प्लस 1 कहां पे आ रहा है, पाई बाय 2 पे आ रहा है, माइनस 1 कहां पे आ रहा है, माइनस 1 कहां पे आ रहा है, वो हमारा यहाँ पर ही आ रहा है, देखिएगा माइनस पाई बाय 2 पे आ रहा है। भैया आप यहाँ भी तो जा सकते हैं माइनस 1 के लिए, दूरी ज्यादा ना है, दूरी ज्यादा है तो उधर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको छोटा जगह में सीमित न कर रहा है, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब फिर वही एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी होता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो जीरो है ये एक बार के लिए प्लस इंफिनाइट भी दे रहा है, एक बार के लिए माइनस इंफिनाइट भी दे रहा है, दिख रहा है, हम उसमें से क्या करेंगे, जीरो को घटा देंगे, क्लियर है, दोनों का डोमेन अरेंज कीजिए, है ना। फिर से समझ लीजिए, ये हो गया आर, आर में से इतना का कम नहीं हुआ, तो एक्स एक्सिस वाला हमारा डोमेन कहलाता है, तो आर में से एक माइनस एक से एक हम जो है घटा दिए। अब जो है रेंज के लिए क्या किए, माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू ले लेता है, कि यहाँ पर प्लस हो दे रहा है, यहाँ पे माइनस हो दे रहा है, और ये साइन का उल्टा है, उसी के बेसिस पर लेते हैं, जो है एक ही जगह पे लाइन कर रहे, यहाँ से जीरो जो है वो घटा, ठीक है। अब जो है हम अभी जो है इसका लास्ट ग्राफ पे चलेंगे, और उसके बाद जो है सबका पूरा पूरा ग्राफ बनाएंगे, पूरा पूरा जो पाई बाय टू के अंतर पे किताब में देता है हम उस पर चलेंगे, ठीक है। पहले जो है हम इसको कर लेते हैं, अब ये जो है हमारा सेक का जो है ग्राफ होने जा रहा है, तो सेक का जो है हमारा ग्राफ वो क्या होता है, तो देख लेते हैं भैया, सेक जो है किसका उल्टा होता है, सेक तो उल्टा होता है कॉस का, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस जब जीरो पे एक होगा तो एक बटा एक क्या हो जाएगा, वो तो एक ही रहेगा, एक रहेगा, तो हम यहाँ पर एक देख करके एक लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है भैया, रूट थ्री बाय टू होता है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, टू बाय रूट थ्री लिखेंगे, कहेंगे तो उसका उल्टा होगा, ये हो गया 1.1। फिर क्या होता है भैया, 1/√2 होता है, तो हम क्या लिख लेंगे, रूट टू लिख लेंगे भैया, रूट टू का डेसिमल वैल्यू क्या होता है भैया, वैल्यू मतलब मान होता है भैया, मान मतलब उसका वैल्यू होता है भैया, दो वही बात हो गया भैया, मेरा घर कहाँ, आपके घर के सामने, आपका घर कहाँ, मेरे घर के सामने, दोनों का घर कहाँ, आमने सामने, नहीं बताने के चलो है कहाँ पर, क्या छोड़िए आगे बढ़िए, हो गया हमारा 1.4। अगला क्या हो गया, दो, तो दो इसका होता है इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट सब है पॉजिटिव है, सब है तो क्या है, पॉजिटिव है, काहे है, सरकारी घर है, पहला घर है ना। उसके बाद हम कहा चल गए, हम साइन के घर में चले गए, साइन के घर में चले गए, तो साइन के घर में उधर हमें देगा नहीं, दो गज दूरी मास्क है जरूरी, दूसरा के घर में जाइएगा कोरोना फैलाइएगा, उससे अच्छा अपने घर में जाइए, तो दूसरा घर में जाइए तो निगेटिव रहिएगा, कचा हो जाएगा आपके ऊपर, तो अभी हमारा क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होगा भैया, फिर से हम दूसरे के घर में ही घुस गए हैं, माइनस 2/√3 माइनस रूट टू माइनस टू। उसके बाद भैया अब हम अपना घर की तरफ आना शुरू कर दिए भैया, ये हमारा हो गया वैल्यू भैया, और ये हमारा हो गया वैल्यू भैया, ये हो गया हमारा वैल्यू भैया, हम भैया आ गया वैल्यू के साथ। अब जो है इसका खाली डेसिमल वैल्यू बैठा देते हैं भैया, डेसिमल वैल्यू बैठा दे रहे हैं भैया, तो उसके बाद हमारा इतना हो जाएगा है कि नहीं, -1.4 होगा, -2 होगा। इसके बाद यहाँ पर इनफिनाइट को तो इनफिनाइट आने दिए, हुआ माइनस प्लस नहीं बैठाइए, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 1.4 होगा, ये 1.1 कितना हो जाएगा, 1 होगा, 2/√3 1.1 होगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये 1 हो जाएगा भैया, खेला खत्म है भैया, पैसा भी लेकिन हजम नहीं हुआ है भैया, थोड़ा इसको आगे लेकर के चलते हैं। देखिए एगो बात जानते हैं, ये जो म्यूजिक है बहुत अच्छा चीज है, कैसे, जब आप जो है म्यूजिक के रूप में सब चीज को बदलना शुरू कर दीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब जैसे कि सलमान भाई का कोई नया गाना रिलीज हो, मान लेते हैं कि अक्षय कुमार का कोई नया गाना रिलीज हो, उस सब तो हीरो है, उस सब तो सामने से दिखता है, लेकिन वो जो अंदर में काम कर रहा है वो कौन है, वो तो गायक है ना, वो अरिजीत सिंह है, आपका कहते हैं कुमार सानू है, सोनू निगम है, श्रेया घोषाल है, ये सब गाते हैं, तो सबका जो गाना होता है, गाना में जो वर्ड स्टेप हो जाता है, एक दो बार सुनते हैं गाना अपने आप गुनगुनाने लगते हैं, पढ़ाइया नहीं याद होता है, कहे पढ़ाई में गाना नहीं है,
इसको भी यदि आप उस तरह से ले आइएगा, उसमें भी जो है ना थोड़ा रोमांच ले आइएगा ना, तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पाई बाय सिक्स हो गया, अगला हो जाएगा पाई बाय फोर, अगला हो जाएगा पाई बाय थ्री, पाई बाय टू, टू पाई बाय थ्री के बाद थ्री पाई बाय फोर के बाद फाइव पाई बाय सिक्स के बाद पाई के बाद सेवन पाई बाय सिक्स, सेवन पाई बाय सिक्स के बाद फाइव पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर के बाद फोर पाई बाय थ्री, फोर पाई बाय थ्री के बाद थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू के बाद फाइव पाई बाय थ्री के बाद सेवन पाई बाय फोर के बाद इलेवन पाई बाय सिक्स के बाद टू पाई। चलिए एंगल तो कम से कम लिख लिए, थोड़ा सा काम आसान कर लिए। फिर इसको क्या करेंगे, एक करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, दो करेंगे, फिर इसको तीन करेंगे, उधर जाने पर इसको इनफिनाइट कर। ठीक है, चला गया। अब जो है शुरुआत करते हैं कि कहाँ है ये जो है, फिर से याद रखिएगा, इसका सरकारी घर है ये, और इसका अपना घर नहीं है, पड़ोसी घर में चल गया, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका अपना घर है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर यू जो है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर यू जो है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना। तो अभी क्या हो गया, वन वन, अगला वन पॉइंट वन, अगला वन पॉइंट फोर, अगला टू, अगला इंफिनाइट। चलिए लेके महाराज को यहाँ इंफिनाइट पर, चल गए अनंत का सेल पर। अगला अगला यहाँ से शुरू हो जाएगा, कहाँ आएंगे, यहाँ टू पावर थ्री पे इतना, फिर उसके बाद वन पॉइंट फोर के बाद जो है हमारा कहाँ जाएंगे, वन पॉइंट वन के बाद कहाँ जाएंगे वन। चलिए इसको ऐसे करके घुमा दीजिए, आ गए ना। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे भैया, फिर वन पॉइंट वन, उसके बाद वन पॉइंट फोर के बाद टू के बाद इंफिनाइट। चलिए तो यहाँ चल रहे हैं ना। अब इसके बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा टू, उसके बाद जो है हमारा क्या आ जाएगा वन पॉइंट, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया हमारा इंफिनाइट, इंफिनाइट के बाद यहाँ पर आ गया हमारा टू, यहाँ पर आ गया वन पॉइंट फोर, यहाँ आ गया वन पॉइंट वन, यहाँ आ गया वन। ठीक है, तो ये ऊपर का एक्सिस पे खींचा गया, फिर नीचे भी चले जाते हैं। अब हम लोग को इन सब चीज का कोई जरूरत नहीं रह जाएगा, हम इसको मिटा के बहुत अच्छा जगह पे हम लोग बनाएंगे, पूरा बड़का बड़का वो जगह पे हम लोग बनाएंगे, जितना बड़का जगह हो सकता है हम उतना बड़का जगह पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाइए। अब जो है क्या बनाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे घोड़े से चिल्ला रहे, घर में का जो आदमी होता है लोग काम धंधा करता नहीं है, कहीं घोड़े से बोलेगा सामने पनीर बनाएंगे, ठीक है चिली बनाएंगे, तो ये बनाएंगे तो वो बनाएंगे, लेकिन मुंह में पानी लाने का उत्पाद अब घर नहीं बनाएंगे, तो वही बातें पूछ ले रहे थे कि यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, माइनस फाइव बाई फोर, माइनस फाइव बाई थ्री, माइनस फाइव बाई टू, माइनस टू फाइव बाई थ्री, माइनस थ्री फाइव बाई फोर, माइनस फाइव फाइव बाई सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फाइव बहुत है, कितना लेके चलेंगे। अब इसके बाद अगला ये वैल्यू कहा देगा भैया, ये देगा वन पॉइंट वन पे, इसके बाद भैया कहा वैल्यू देगा वन पॉइंट फोर पे, फिर दो पे, और फिर जो है इंफिनाइट, हमारा जो है कुछ ऐसे चला जाएगा, है कि नहीं। अब उसके बाद भैया ये माइनस इंफिनाइट से यहाँ से शुरू होगा, माइनस फाइव टू के सामने से, फिर यहाँ टू, यहाँ पर आते आते इसको टू में घुस जाना है, टू में घुस गया, फिर जो है वन पॉइंट फोर पे घुस जाना है, वन पॉइंट फोर पे घुस गया, फिर वन पे घुस गया, उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक आकर के रुक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो ईडीए को मंदिर बना देगा। अब फिर से देखते हैं इसका डोमेन और इसका रेंज हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ये भी प्लस इंफिनाइट से माइनस इंफिनाइट जा रहा है, लेकिन सारा रियल नंबर, तो रियल नंबर तो होना ही है। अब देखिए इसका यहाँ से वो लाइन खींच लीजिए, यहाँ से लाइन खींच लीजिए, इला जो जमीन है, इला प्लॉट है, इसमें बुर्ज खलीफा नहीं खड़ा हुआ है, तो उसका कोई यूज नहीं है, इसका क्या काम है, यहाँ पर तो नाली भी नहीं बन रहा है, ऐसा ही खड़ा है, गाय मवेशी सब चल रहा है, तो इसको जो है घटा देंगे, अपना जमीन में नहीं आता है, तो आर माइनस माइनस वन से वन तक चला गया। अब इसके बाद जो है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, रेंज के लिए, तो इसका जो फिर वही प्लस वन कहाँ पर होगा, तो है ये पाई बाय टू पे, यहाँ पे हो गया, वाह बड़ा गड़बड़ बात हो गया, इसका तो गड़बड़ हमको लग रहा है। देखिए तब इसको तनिक अच्छा से समझना होगा, ये हमको क्या कह रहा है, यहाँ पर तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आ गया, देखिए दोनों प्लस माइनस सब एक जगह पर मिल गया है, ये गड़बड़ हो गया, इसका जो है प्लस वन हमको कहाँ दे रहा है, जीरो पर दे रहा है, इसका माइनस वन हमको कहाँ दे रहा है,
पाई पर दे रहा है। कहाँ दे रहा है? जीरो पर दे रहा है। फिर कहाँ पर दे रहा है? हमको पाई पर दे रहा है। पाई पर हमको क्या दे रहा है? माइनस वन वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर हमको क्या दे रहा है? प्लस वन वैल्यू दे रहा है। तो प्लस वन माइनस वन के लिए क्या हो गया? जीरो से पाई हो गया। अब उसके बाद भाई पाई बाय टू पे क्या है कि दोनों अपना अधिकार जमा रहा है, होगा तो एक ओके, तो जो दूसरा का कर है उसको घटना पड़ेगा, इसमें से तो हम पाई बाय टू को घटा दिए, तो हमारा क्या हो गया? एक डोमेन और रेंज हो गया। ठीक है, किसका हो गया? सेक का। ठीक है, किसका हो गया ये ग्राफ? ये ग्राफ हो गया हमारा सेक इनवर्स का। ठीक है, अब है क्या कि भैया, हाँ भैया बोलिए ना, भैया हाँ भैया बोलिए ना, भैया ये जो ग्राफ है आप अजीबे बनाए, वो थोड़ा बड़का बड़का लेता है गैप। चलिए तो बड़का बड़का वो गैप लेते हैं, तभी वो किताब को भी फॉलो करते हैं, थोड़ा उसको भी देखना चाहिए, वो भी बड़ा मेहनत से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली जो है ना कि जब देखिए हमारे यहाँ क्या है ना कि गरीबी रेखा के अंदर किसको रखा जाता है पता है, सरकार का बड़ा गजब का सीन है कि 40 से जो कम इनकम है ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ नियम है, तो उतना सस्ता जितना उन लोगों को मिलता है उतना सस्ता हम लोग को थोड़े ना मिलता है, तो हम लोग ऊपर सीमा पर नहीं रखा रहा हमने, तो उन लोग जो पढ़े लिखे आदमी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी तो सबको समझते हैं पढ़ ले लिखा है, लेकिन वो कहा जाते हैं कि दसवां तक जितना तेरा पास कर देते हैं उसके बाद जो रिवर्स बोलते शुरू करते हैं हम लोग, कुछ लोग है दसवां तक ध्यान देते हैं उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं या कंटिन्यू रह जाते हैं, उस लोग का लक्ष्य जो है पहले निर्धारित हो जाते हैं, सपने घर में सोच लेते हैं कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी बनना है, और कुछ लोग इंटर तक पूछिए क्या बनना है बाबू, अभी सोचना है, तो कहिया सोचेगा जब कवर में चलेगा, तब समय अभी है, सोच लीजिए, अब ज्यादा दिन का समय नहीं रहेगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा कॉट इनवर्स का लंबा लंबा बनाना है, क्या बनाना है? लंबा लंबा बनाना है, लंबा लंबा बनाना है, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन, हो या नहीं? कहाँ लग देते बाबू हो, प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी चलो देते हैं, तो चलो देते हैं, तो प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी चलो देते हैं, चलो देते, चल गया ना, चल गई नहीं नू, समझ में क्यों नहीं नू, चलो आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि एक ग्राफ का लिख सकेंगे पाई बाई टू, ओके बाद पाई के बाद थ्री पाई बाई टू के बाद टू पाई के बाद फाइव पाई बाई टू के बाद थ्री पाई के बाद सेवन पाई बाई टू के बाद फोर पाई के बाद नहीं जाएंगे, बोलते बाद 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 कितना पार में बात करेंगे, हो गया इतने लोग में कम चला लेंगे, अगला हो जाएगा माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस टू पाई माइनस फाइव पाई बाई टू माइनस थ्री पाई माइनस सेवन पाई बाई टू उसके बाद माइनस फोर पाई होगा ना। चलिए अब हम यहाँ तक आ गए, अब जो है वो क्या है कि पहले किसका करना है? कॉट इनवर्स का करना है, कॉट इनवर्स का करना है, तो अब हम जो है उसके बाद देखेंगे क्या चीज कि कॉट इनवर्स का जो हम उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा हमको लगता है गंदा से लिखा गया है ना, थोड़ा सा सही से लिख लीजिए। अब इसके बाद जो है हम लोगों को क्या करना है कि कॉट कहाँ पे होता है, कॉट जीरो पे क्या वैल्यू देता है, कॉट जीरो पे इन्फिनाइट वैल्यू देता है, कॉट जीरो पे इन्फिनाइट होता है ना, कहीं टेन जीरो जीरो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इन्फिनाइट से शुरू करेंगे फाइव बाई टू पे आने का जीरो हो जाता है, तो एना करके एना हो गया, उसके बाद जो है फिर फाइव पर जो है माइनस इन्फिनाइट में चले तो एना हो गया, उसके बाद फिर जो है अगला है ये यहाँ से ऐसे चलेगा और फिर जो है यहाँ से ऐसे चलेगा, चला कि नहीं चला? ये जो मुड़ा ना, ये जो बीच में टेहका लड़का निकला ना, हम चाहते तो कोना कोनी घिस देते, तब वो सीधा चलते चले था, चिर लेफ्ट खा लेते, इसको एक्सिस के पैरेलल कर दिया, पैरेलल होकर इनफिनिट चला गया एक्सिस के पैरेलल। अब जो है क्या हुआ कि हम इसको छोटा छोटा जो बनाए यही बताने के लिए वहां पर जो टर्न हो रहा है वो काहे हो रहा है। ठीक है, अब बड़का में आपको क्लियर है, बाकी सब चीज तो देखिए रहे हैं कि आपको एकदम शुरू एज ए बुक आपको दिखेगा, यहाँ गया यहाँ से फिर ऐसे चला गया, चला गया ना। अब देखिए कि अभी फिर अगला कहा से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और फिर जो है यहाँ पर जाके खत्म हो जाएगा। अब देखिए कि भैया पता नहीं आपका ग्राफ सही बना कि नहीं, सही बना कि नहीं बना इसका जस्टिफिकेशन दो मिनट बाद करेंगे, पहले जो हम कर लेंगे, हर बार आप बीच में टोकिए दीजिएगा तो कैसे गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर जो है यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ चला गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से आया यहाँ से गया यहाँ से ऐसे चला गया, उसके बाद यहाँ से आया यहाँ गया यहाँ से ऐसे चला गया, चला गया नहीं चला गया। अब तनिको का समझिएगा कि क्या हो क्या रहा है, जीरो पे प्लस इनफिनाइट या माइनस इनफिनाइट, उसके बाद हमारा क्या हो गया पाई पर
क्या हो गया प्लस इंफिनाइट, फिर यहाँ पर क्या हो गया माइनस इंफिनाइट, फिर क्या हो गया प्लस इंफिनाइट, फिर क्या हो गया माइनस इंफिनाइट हो गया, है ना। ठीक है, अब ऐसे करके ग्राफ हो गया तो अब हमारा जो है इसका डोमेन क्या होगा, प्लस इंफिनाइट से माइनस इंफिनाइट हो गया, प्लस इंफिनाइट से माइनस इंफिनाइट रियल नंबर आर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं रेंज कर रहे हैं, रेंज को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, जीरो से फाइव पर लेकर जा रहे हैं, जीरो से फाइव आई लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस इंफिनाइट दे रहा है, यहाँ पर माइनस इंफिनाइट दे रहा है। क्लियर है ना, क्लियर है, तो ये हो गया हमारा पूरा ग्राफ जो कि आपको किताब में दिखता है। अब तो आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ रहे किससे ग्राफ की तरफ, कोसेक के ग्राफ की तरफ। तो कोसेक का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर ऐसे ही पावर टू का डिफरेंस लेकर के चलेंगे। चलिए तब शुरू करते हैं अपना रोल का था, ये जो है हमारा क्या हो गया एक्स हो गया, ये एक्स डैस हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा वाई डैस हो गया। ठीक है, इसको यहाँ मिटा दीजिए, ये हमारा क्या हो गया ऑरिजिन हो गया, इधर प्लस इंफिनाइट दे दीजिए, इधर माइनस इंफिनाइट दे दीजिए, पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू टू पाई, फाइव पाई बाय टू थ्री पाई, सेवन पाई बाय टू फोर पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस टू पाई, माइनस फाइव पाई बाय टू माइनस थ्री पाई, माइनस सेवन पाई बाय टू माइनस फोर पाई। ठीक है, अब जो है किसका बना रहे कोसेक का, कोसेक किसका होता है साइन, साइन जीरो जीरो, तो कोसेक जीरो तो ये जो है यहाँ पर एक मान लीजिए, यहाँ पर माइनस एक मान लीजिए, चाहे घुमा करीब छूता है। ठीक है, तो जो है वो क्या करेगा पाई बाय टू पहले यहां तक छुएगा और यहां से वो टक से बात को छू के वापस आए, देखिए यहाँ पर टक से बात को छुआ वो वापस चला गया, है ना। अब ये हो गया हमारा प्लस इनफिनाइट। अब इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी जो है बहुत अच्छे एक्टर थे, तो उनका ये जो डायलॉग था किक मूवी में, शायद किक में ही था, बहुत अच्छा था कि मौत को टक से छू के वापस आ जाना। बड़ा अजीब लगता है जब अचानक से लगे कि आपको एक मुंह के पास एक मौत है, उसके बाद आप भाग जाइए तो क्या फीलिंग होता है। अगला क्या हो जाएगा फिर हमारा, वो जो है यहाँ से ऐसे करके घूमेगा और ऐसे करके आ जाएगा, है ना। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके आ जाएगा, आ गया ना। यही वाला किताब में देखते होंगे कि यहाँ पर पाई बाय टू पर है, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है ऐसे करके घूमेगा और यहाँ से जो है ऐसे करके आएगा, उसके बाद यहाँ से ही ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके आ जाएगा, फिर जो है यहाँ से ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके आ जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर ऐसे करके आएगा, ऐसे करके चल जाएगा, है ना। ठीक है, ई साइड वाला जितना है ई साइड वाला सब प्लस इंफिनाइट पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है भैया प्लस इंफिनाइट पे जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं भैया प्लस इंफिनाइट पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया प्लस इंफिनाइट पे जा रहे हैं, सब प्लस इंफिनाइट पे जा रहा है। माइनस वाला आया बेचारा, बड़ा गरीब था, कर्जा में डूबल है, सब माइनस इंफिनाइट वाला है, ढेरी कर्ज है इसके ऊपर, एकदम माइनस में चल रहा है। अब देखिएगा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया ना भैया, इसका कौन चीज डोमेन एक्स एक्सिस वाला डोमेन होता है, और एक से माइनस एक यूज कर नहीं रहा है, एक से माइनस एक यूज नहीं कर रहा है, तो उसको घटा दिए। ठीक है, अब प्लस वन कहाँ आ रहा है, तो यहाँ प्लस फाइव बाई टू पे, माइनस वन कहाँ पे आ रहा है, माइनस फाइव बाई टू पे, तो प्लस फाइव बाई टू से माइनस फाइव बाई टू चल गए। लेकिन ये जो है लाइन वाई, यहाँ पर प्लस इंफिनाइट भी है माइनस इंफिनाइट भी है, हम हर बार बताते हैं, फिर से बताते हैं, एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा हो गया बहुत करीब। ठीक है, तो इस ग्राफ पर भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं एगो लास्ट हमारा बचा है सेक का ग्राफ, ये जो है हमारा आज का लास्ट का ग्राफ होगा इस वीडियो का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंशियल ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबको रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, और उसके बाद फिर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद उस इनवर्स का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला करेंगे, इनवर्स के कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हो जाने के बाद आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चला जाएगा। कुल मिला के सात से आठ वीडियो और अभी आपको देखने पड़ेंगे इसके बाद, ठीक है, तब जाकर आपका इनवर्स खत्म होगा। और इनवर्स खत्म होने के बाद हमको क्या शुरू करना चाहिए ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम उस टॉपिक को शुरू कर सके। ऐसे जो मेरा विचार है, मेरा विचार ये है कि हम जो है आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरा जो विचार है, आपको यदि सही लग रहा है तो कॉमेंट में जरूर कहिएगा। यदि आपको कोई और सब्जेक्ट में मतलब कि इस मैथ में
और कोई टॉपिक पढ़ने का तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम देखते हैं कि बहुमत किसका होगा, जो बहुमत होगा हम वो जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया हमारा जीरो, ये क्या है एक्स, ये क्या है एक्स डैश माइनस इंफिनिटी, ये हमारा क्या है प्लस इंफिनिटी, ये क्या हमारा वाई है, ये हमारा क्या है वाई डैश है, ये क्या हो गया पाई बाई टू के बाद पाई के बाद थ्री पाई बाई टू के बाद टू पाई के बाद फाइव पाई बाई टू के बाद थ्री पाई के बाद सेवन पाई बाई टू के बाद फोर पाई के बाद नाइन पाई बाई टू के बाद ज्यादा भाग गया पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई फाइव पाई बाई टू थ्री पाई सेवन पाई बाई टू फोर पाई बहुत है भाई कितना चाहेंगे हो गया बहुत है बहुत कितना बड़का मंदिर हो गया। अगला पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस टू पाई माइनस फाइव पाई बाई टू माइनस थ्री पाई माइनस सेवन पाई बाई टू माइनस फोर पाई थोड़ा सा उसमें गैप छोटा कर दिया इधर गैप बड़ा हो गया लंबा हो गया है ना यहाँ पर ही वन यहाँ पर ही माइनस वन। अब जो है sec इनवर्स x का जो हमारा ग्राफ होगा sec इनवर्स x का हमारा ग्राफ क्या होगा cos का उल्टा cos 0 क्या होता है 1 होता है cos 0 1 होता है तो ये कहां से शुरू होगा 1 और 90 पे जाके इनफिनिट हो जाएगा यहाँ पर आके इनफिनिट हो जाएगा फिर ठीक जो है इसके इधर से जो है यही जगह भी शुरू होगा एक पर आएगा फिर यहाँ पर आके चल जाएगा उसके बाद जो है यहाँ पर इधर माइनस पाई बाई टू के पास से क्या होगा प्लस पाई बाई टू के पास ऐसे सामने जाएगा पाई पर ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे हो जाएगा है ना। अब उसके बाद जो है हमारा कहा जाएगा इसके सामने से ठीक यहाँ से ऐसे करके घूमेगा और यहाँ से जो है ऐसे करके घूम जाएगा उसके बाद क्या होगा वो यहाँ पर से ऐसे आएगा उसके बाद यहाँ पर ऐसे आएगा फिर ऐसे करके घूम जाएगा और उसके बाद फिर फर्दर फर्दर घूमते रहेगा। ठीक है अगला अब यहाँ पर इधर से ऐसे करके आएगा ऐसे टू पाई से आएगा फिर ये टक से मौत को छूकर वापस चला जाएगा एक के उधर और उसके बाद फिर जो है यहाँ माइनस पाई बाई टू से आएगा और फिर जो है पाई बाई टू पर चला जाएगा है ना। इधर वाला सब क्या हो गया प्लस इंफिनाइट हो गया ये भी प्लस इंफिनाइट प्लस इंफिनाइट प्लस इंफिनाइट प्लस इंफिनाइट प्लस इंफिनाइट इधर हम लोग कहाँ चल गया माइनस पे चल गया सब चीज हमारा जो है माइनस चला गया है ना या तो माइनस लिख लेता है फिर वहां पे दोबारा क्या लिखेंगे हम। अब ये वो चीज को समझिएगा फिर से सारा रियल नंबर को कवर किया यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन आर हो गया माइनस वन प्लस वन का हुआ कहीं की जमीन में बकरी का भैंस चल रहा है उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर माइनस वन चल रहा है। ठीक है अगला क्या है इसका रेंज निकालना है इसका रेंज क्या होगा इसका रेंज जो है हमारा प्लस वन कहाँ पे आ रहा है जीरो पे आ रहा है माइनस वन कहाँ पे आ रहा है देखिए यहाँ पर माइनस पाई पे आ रहा है तो जीरो से पाई हो गया लेकिन यहाँ पर देखिए ई जो है इससे सटने के यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ई जो है ई जो लाइन है ई जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ई क्या हो रहा है प्लस इंफिनाइट माइनस इंफिनाइट एक ही जगह पर है उस जगह कौन सा था पाई बाई टू था तो उसमें से जो है पाई बाई टू को हटा दिया। ठीक है तो आज हम लोग कुल मिला करके कॉट सेक कोसेक तीनों के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग टेंजेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात लोगों तक ये जरूर पहुंचाइए कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा आप एक बार समझ के रखिए कि जब तक आधार मजबूत नहीं होगा बोर्ड करेगा खड़ा नहीं होगा तो बेस को बनाइए और जो है अपने सपनों को एक नया उड़ान दीजिए अपने सपनों को ऊंची उड़ान दीजिए। ठीक है धन्यवाद थैंक यू।